हमारे चैनल H2O कारस्पा में आपका स्वागत है। हमारा स्टूडियो अहमदाबाद में है। हमारे पास 2009 से 25,000 से अधिक कारों के कोटिंग और डिटेलिंग का अनुभव है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपको ब्रांड न्यू रेंज रोवर ईवो 2021 कार पर G10 ग्राफीन सिरेमिक कोटिंग की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। पहले हम फोम से कार को धोते हैं, जिसमें एक स्टेप में हम आयरन रिमूवर से व्हील्स को पहले डिकंटामिनेट करते हैं। फोम से धोने के बाद हम क्लेइंग और मास्किंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। नई गाड़ी होने के बावजूद इस पर स्क्रैचेस और स्वर्ल्स मार्क्स रहते हैं, वो हटाने के लिए अब हम पेंट को कंपाउंड करने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप शुरू करेंगे। ऐसा करने से हम पेंट पर लगे सभी मामूली पेंट स्क्रैच और स्वर्ल मार्क्स के निशान को हटा देते हैं और कार फिर से शोरूम से बेटर कंडीशन में हो जाती है। मल्टी स्टेज पेंट करेक्शन और पॉलिशिंग के बाद हम पूरी कार को IPA से क्लीन करते हैं ताकि वो हमारी कोटिंग को लगाने के लिए तैयार रहे। अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला कोटिंग का स्टेप, G10 ग्राफेन सिरेमिक कोटिंग। ये कोट लगाने से गाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाता है, विच हैज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 7 ईयर्स। अब हम इस पे कोटिंग का दूसरा लेयर G10 ग्राफेन सिरेमिक कोटिंग। इसे करने से गाड़ी की ग्लॉस और शाइन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस रेंज रोवर ईवो पर हम ग्लासेस को भी कोट करेंगे ताकि वो बारिश के वक्त वाटर रिपेलेंट रहे। हमने इस कार पर अलॉय कोटिंग भी किया है, जिससे अलॉयज पर ब्रेक डस्ट और नॉर्मल डस्ट कम लगता है। इस सेटिंग को सील करने के लिए इंफ्रारेड लैंप का उपयोग किया जाता है। अब ये कार सिरेमिक कोटिंग करने के बाद तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।